प्राकृतिक आपदा के दौरान शिमला के समरहिल शिव बावड़ी मंदिर हादसे का शिकार हुए प्रोफेसर प्रेमलाल शर्मा समेत अन्य लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सरस्वती विद्या मंदिर छात्र पाठशाला रौड़ा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल शिक्षा समिति के अध्यक्ष मोहनलाल केस्टा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की। प्रांत उपाध्यक्ष तथा विद्या भारती के उत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक प्रमुख रहे प्रोफेसर प्रेमलाल शर्मा, उनकी धर्मपत्नी चंद्रलेखा, बड़ा बेटा ईश शर्मा तथा इसी संस्था से जुड़े एडवोकेट हरीश वर्मा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मानसी वर्मा भी जान गंवा बैठे हैं। इस दौरान कई गणमान्य लोगों व परिवार के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। आज बिलासपुर में दिवंगत आत्मा डॉक्टर पीएल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी और पुत्र, साथ में हमारे कार्यकर्ता डॉक्टर मानसी और उनके पति हरीश, उनकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। दोनों कार्यकर्ता विद्या भारती के साथ पिछले 7-8 वर्षों से जुड़े हुए थे। उनका व्यक्तित्व डॉक्टर पीएल शर्मा जी का एक बहुत बड़े शिक्षाविद और साथ में बहुत ही सरल और साधारण सा स्वभाव, मृदुभाषी और विद्या भारती की दृष्टि से शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो योगदान है, विद्या भारती और विद्या भारती परिवार सदैव उनके योगदान को स्मरण करती रहेगी। आज हमारे मध्य में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसी दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को इस आघात को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और उनकी आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में शांति प्रदान हो। विद्या भारती उनके योगदान को सदैव स्मरण करती रहेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।